तो अब तक लगभग सभी लोगों का, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, एम्स हो, उसका रिजल्ट आ गया होगा। अगर हम टॉप के 1000-2000 बच्चों को हटा दें जिनको टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं, जैसे कि जिनको IITs में डिजायर्ड ब्रांचेस मिलने वाली है, जैसे कि हमारी CS, उसके अलावा लगभग सभी बच्चों को डाउट है कि उनको अगले साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कॉलेज और ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, जो ब्रांच मिल रही है, जो कॉलेज मिल रहा है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ कई बच्चों के मन में डाउट होता है, क्या ड्रॉप लेने के बाद पक्का है मेरी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, कितने चांसेस है, कितने नहीं है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो फिर हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग में जाना चाहिए किसी? अगर कोचिंग में जाते हैं तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं, क्या ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए या फिर किसी जो कन्वेंशनल हमारा ऑफलाइन कोचिंग सिस्टम होता है उसमें जाना चाहिए? और अगर आप कोचिंग में जाने की डिसाइड करते हैं तो कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सी कोचिंग में नहीं जाएं, कैसे डिसाइड करें कौन सी कोचिंग अच्छी है? तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं कि भाई किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, कैसे पता करें कि ड्रॉप लेना हमारे लिए सही डिसीजन होगा या नहीं। तो देखो, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें दो कंडीशंस बताऊंगा, अगर तुम इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तभी तुम्हें ड्रॉप लेना है। अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फेल कर जाते हो तो तुम्हें ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो फिर क्या है वो दो कंडीशंस? तो पहली कंडीशन जो जरूरी है ड्रॉप लेने के लिए वो ये है कि जब तुम ये सोचते हो कि तुम अगले साल ड्रॉप लेने वाले हो, मतलब अगर अगले साल तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने वाले हो, जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे अंदर फीलिंग किस तरह की आती है? क्या तुम्हें एक्साइटमेंट फील होता है कि तुम्हें फिर से फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, जो फिजिक्स के डाउट तुम पहले नहीं कर पाए थे अब उन सारी चीज़ों को तुम खत्म करोगे, फिर से केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे? क्या ये सोच के तुम्हें खुशी मिलती है, क्या एक्साइटमेंट आता है कि फिर से मुझे एक साल पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे फिर से और मज़ा आएगा पढ़ने में? अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो कंडीशन वन तुम सेटिस्फाई करते हो। पर अगर ड्रॉप के बारे में सोच के तुम्हें ऐसा लगता है, शिट यार एक साल और पढ़ना पड़ेगा, कौन एक साल इतनी मेहनत फिर से करेगा यार, मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आता, पर फिर से ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, अगर इस तरह की फीलिंग आती है तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हें जो IIT या नीट की हम तैयारी करते हैं उस तैयारी करने में अगर तुम्हें मज़ा नहीं आता, वो तुम्हें बर्डन जैसा लगता है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ड्रॉप के लिए नहीं जाना है। याद रखना, तैयारी ज़बरदस्ती नहीं करी जाती। अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ में तो तुम्हें बिल्कुल उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, और अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी रैंक उल्टी खराब हो जाएगी। यहां तक कि अगर तुम्हें मैथ साइंस में मजा नहीं आ रहा है तो हो सकता है तुम्हें इंजीनियरिंग में ही नहीं जाना चाहिए, तुम्हें किसी और फील्ड को शायद एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी फील्ड है जिसमें तुम्हें मजा आता है, जिसमें तुम टैलेंटेड हो, उस फील्ड में जाओ। तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर टू की। तो अब तुम्हें यह पता करने की कोशिश करनी है, तुम्हें खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है कि इस बार तुम्हारे जेई मेंस, एडवांस या नीट में जो कम नंबर आए, वो कम नंबर आए क्यों, उसका रीजन क्या था? अगर मान लो तुमको लगता है कि इस बार तुमने अपना 100% दे दिया है, मतलब तुम्हारा सिलेबस 11th 12th का पूरा कंप्लीट हो चुका था, तुमने दोनों साल कोचिंग करी थी, तुम्हारे सारे शीट्स मटेरियल जो भी मिले थे कंप्लीट थे, तुमने प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट कर लिया था, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर थे, तुम्हारे 2-3 रिवीजन हो चुके थे, मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी तैयारी कंप्लीट थी, उसके बाद भी अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुम्हें ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कम आने का रीजन ये है, जैसे कि ये हो सकता है कि मान लो तुम्हें सफिशियंट टाइम नहीं मिल पाया, लास्ट में जाके तुम्हारा रिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर तुम्हारे से 11th क्लास का रिवीजन नहीं कर पाए क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जाम थे, उन सबकी तैयारी कर रहे थे, 11th का रिवीजन छूट गया, या फिर हो सकता है तुमने कोचिंग लेट ज्वाइन करी हो जिसके कारण तुम्हारे स्टार्टिंग के टॉपिक छूट गए थे। अगर फिजिक्स में तुम स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक छोड़ देते हो, जैसे कि काइनेमेटिक्स, NLM वगैरह, तो आगे की फिजिक्स तो वैसे भी समझ में नहीं आती, तो हो सकता है इस कारण तुम्हारी तैयारी ना हो पाई हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा कोई पर्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट वीक रह गया हो, उसका रीजन हो सकता है कि तुमने उसमें सफिशियंट टाइम नहीं दिया, या फिर हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फैकल्टी तुम्हें उस लेवल की नहीं मिली, तुम्हें उनका समझ में नहीं आता था, तो ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि तुमने इन 2 सालों में कोचिंग ही नहीं करी, तुम सिर्फ स्कूल में जा रहे थे, इस कारण तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, या फिर तुमने ये सब कर लिया था पर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही नहीं कर पाए, IIT JEE एडवांस और मेंस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए तुम उनको कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर तुम उनको कंप्लीट करके नहीं गए तो तुम्हारी तैयारी 50% तो हुई नहीं थी, या फिर इन 2 सालों में तुम्हारी फैमिली में कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण तुम उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाए, तुम टेंस्ड थे, मन से पढ़ाई नहीं हो पाई, अगर इनमें से कोई भी रीज़न है, अगर इन रीजन्स के कारण
तुम्हारा परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आया, मतलब तुम्हें लगता है तुम अपना 100% नहीं दे पाए, अगर तुम्हें और टाइम मिल जाए तो तुम और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। अगर तुम लोग इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि पहले तो तुम एक्साइटेड हो एक साल पढ़ने के लिए और मज़ा आने वाला है तुम्हें पढ़ने में, ये तुम्हारे लिए बर्डन नहीं है, पढ़ाई तुम्हारा एंटरटेनमेंट है। दूसरा, तुम इस बार अपना 100% नहीं दे पाए, तो तुम्हारी तैयारी नहीं थी, अगर एक साल मिल जाएगा तो तुम फोड़ दोगे, तो तुम्हें बिल्कुल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। अब भाई ड्रॉप लेने पे क्या तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी? हाँ, मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी अगर तुम इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। तुम एक साल लग जाते हो पढ़ाई में, अपना पूरा बोलते हैं जान लगा देते हो, तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है IIT में जाने की या फिर इंडिया के किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने की, तो बिल्कुल तुम्हारी रैंक आएगी। अब देखो, सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं ड्रॉप को लेके। बहुत सारे बच्चों या पेरेंट्स को लगता है कि भाई ड्रॉप ले लेगा, अगर मैं ड्रॉप ले लूँगा तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, मैं बाकी बच्चों से एक साल पीछे हो जाऊँगा। हाँ, तो शायद ये सही बात है कि तुम्हें एक साल लेट जॉब मिलेगी, पर जब तुम ड्रॉप ले लोगे, अगर तुम्हें ड्रॉप लेने के बाद अपने IIT में डिजायर्ड ब्रांच मिल जाती है या फिर किसी भी NIT में अच्छी ब्रांच मिल जाती है, तो तुम्हारी जॉब जो लगेगी वो तुम्हारे दोस्तों से बहुत अच्छे लेवल पे लगेगी, तो ये एक साल कंप्लीटली वर्थ इट है। इंडीड, तुम किसी भी IIT में जाओगे, वहाँ पे 50% से ज़्यादा बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होता है या रिपीट करा होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म में तैयारी करी होती है, तो मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं ड्रॉप ले लूँगा फिर कॉलेज का प्लेसमेंट होगा तो इंटरव्यूअर मुझसे पूछेगा कि तुमने एक साल ड्रॉप क्यों लिया था। अरे ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो इंटरव्यूअर तुम्हारे सामने बैठा है उसने खुद भी ड्रॉप लिया होगा IIT में जाने के लिए। टेकिंग ड्रॉप फॉर ए ईयर इज़ वेरी नॉर्मल इन इंडिया। और तुम किसी IIT वगैरह से कंप्यूटर साइंस करके अपनी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तुम्हारा ऐसा सपना है, तो तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, एक साल कंप्लीटली वर्थ है, क्योंकि जो चार साल तुम IIT में स्पेंड करोगे वो कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग होंगे, ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। हो सकता है कि तुम्हें अभी शायद स्टेट गवर्नमेंट या कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो, पर वो कुछ भी नहीं होगा एज कम्पेयर टू IITs। IIT में जब तुम जाते हो वो चार साल में तुम्हें जो माहौल मिलता है, जो बाकी सारे बच्चे जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे होते हैं, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है तुम IIT में जाके इंजीनियर ही बनो, हो सकता है तुम एंटरप्रेनर बन जाओ, तुम चार पांच बैचमेट मिलके ही कुछ स्टार्ट करते हो, या फिर हो सकता है तुम किसी कंप्लीटली डिफरेंट एरिया में चले जाओ। IITians लगभग हर फील्ड में है तुम देखोगे, और जहाँ भी है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर तुम इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो ड्रॉप लेने में ज़्यादा सोचो मत। मैंने भी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था मैंने भी ड्रॉप लिया था, और ड्रॉप लेके मेरा IIT JEE में सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा सोसाइटी वगैरह के प्रेशर में नहीं आना है ना। इंडिया में कई जगह ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की ऐसी सोच है, ड्रॉप लेने को थोड़े एम्बेरेसिंग वे में देखा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स की भी ऐसी सोच होती है। कोई पेरेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बच्चा इन दो ऊपर वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन यू शुड अलाउ हिम टू टेक द ड्रॉप एंड लेट हिम फाइट फॉर IIT JEE वन मोर टाइम। अगर तुम कोटा जाओगे तो वहाँ पे देखोगे वहाँ पे मैक्सिमम बच्चा ड्रॉपर्स ही होता है। जैसे मैंने कि बताया IITs में मैक्सिमम बच्चे जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं वो ड्रॉपर्स के ही होते हैं। अब इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पुराने जो 7 टॉप IITs हैं उनमें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होगी, पर उनको शायद नए IIT मिल रहे हों या फिर कुछ NITs मिल रहे होंगे, तो वो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होगा, और तुम्हारा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि इसके लिए कोई सिंपल सा आंसर नहीं है। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको, अगर मान लो तुमको किसी अच्छे NIT में कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो वहाँ पर जाके ले सकते हो। जैसे NIT इलाहाबाद या NIT भोपाल में जाते हो तो वहाँ से भी करोड़ों के प्लेसमेंट्स गए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो उस केस में तुम ले सकते हो किसी अच्छे NIT में। पर मान लो तुमको नए IITs मिल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे NITs मिल रहे हैं जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं और उनमें शायद ब्रांच भी अच्छी नहीं मिल रही, तो उस केस में तुम ड्रॉप को कंसिडर कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है कि मान लो तुमको कोई नॉट सो पॉपुलर ब्रांच किसी पुराने IIT में मिल रही है, तो उस केस में तुम उस ब्रांच को ले सकते हो। तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर तुम फर्स्ट ईयर में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और स्टार्टिंग के कुछ टॉप 4-5% बच्चों में आ जाते हो, तो हर एक IIT का अलग अलग रूल होता है, वो हर कॉलेज वाइज तुमको देखना होता है, तो अगर तुम उन बच्चों में आ जाते हो तो तुमको वहाँ पर अपनी ब्रांच स्विच करने का मौका मिलता है। पर यह तरीका भी इतना आसान नहीं है, यहाँ पर भी उतनी मेहनत होती है जितनी IIT के लिए फाइट करना होता है, क्योंकि अब तुम्हें IIT के अंदर जाके उन सारे IITians से कम्पीट करना है जो कि फर्स्ट ईयर में है, और उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी ब्रांच स्विच करके कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे होंगे, पर ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब ड्रॉप लेना है नहीं लेना, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके तुम्हें ध्यान में रखना है। अब तुम लोग उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ड्रॉप लेने वाले हो, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भाई ड्रॉप किस तरह से लें, क्या हम सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी अच्छी सी कोचिंग को ज्वाइन कर लें। तो देखो, सेल्फ स्टडी वाला आइडिया इज ए बिग नो। हाँ, ऐसा है, कई बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी IIT निकाल लेते हैं, पर अगर वो सेल्फ स्टडी करके 5-6 हज़ार रैंक लाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर वो किसी अच्छे 3 टीचर्स के गाइडेंस में होते तो उनकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आई होती। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू टू ज्वाइन सम गुड कोचिंग, क्योंकि जब तुम कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें एक पूरा कंप्लीट माहौल मिलता है, एक क्लासेस हो रही होती है, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें भाई इस टॉपिक को इस टाइम में कवर करना है, वहाँ पर तुम्हारा टीचर होता है,
अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम उससे जाके क्लियर कर सकते हो। जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम सबसे पहली बात तो आती है डाउट क्लैरिफिकेशन, वो किस तरीके से करोगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आईटी जेई में सिलेक्ट होना है तो। उसके अलावा हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे एग्जाम्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन का माहौल होता है जो हमको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता है, हमारे टीचर्स हमको मोटिवेट करते रहते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। देखो ड्रॉप में जाने से रैंक इंप्रूव होती है, पर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें लगे रहना है। तो सेल्फ स्टडी होने में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है अभी तुम बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए, पर एक दो तीन महीने में वो मोटिवेशन जा भी सकता है। तो अगर तुम कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग अफोर्ड करना चाहिए। अब अगली बात आती है, भाई कोचिंग करने जा रहे हैं तो हम अपनी नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग्स लें या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो मैं कहूंगा अगर आपकी सिटी में कोई अच्छी कोचिंग्स हैं तो कोचिंग को ज्वाइन करो, जो हमारा कन्वेंशनल क्लासरूम प्रोग्राम होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन में उतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, चाहे बहुत सारी कंपनीज आज हैं वो क्लेम करती हैं, पर जो पर्सनल गाइडेंस होता है उसको कोई भी ऑनलाइन टीचिंग कम्पीट नहीं कर सकती। हाँ आप ये कर सकते हो कि जैसे आप किसी कोचिंग में हो और वहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर जो सब्जेक्ट पर आ रहा है, जैसे मान लो आपको जो भाई जो आपका फिजिक्स का टीचर आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में तुम कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें किसी अच्छे फिजिक्स टीचर से तुम पढ़ रहे हो, पर कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स के भरोसे नहीं रहना है हमको। हाँ अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे कोई भी अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है और आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मान लो किसी कारण से कि आप कोटा या फिर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर अच्छी कोचिंग्स हैं, फिर उस केस में ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करा जा सकता है। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो मैं अपने खुद के लेक्चर से सारे के सारे बना के यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री डालता हूँ, जिनमें मैं बिल्कुल बेसिक ABCD से स्टार्ट करके जेई मेंस नीट जेई एडवांस लेवल तक तुम लोगों को ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो उन लेक्चर्स को भी रिफर कर सकते हो, क्योंकि इन लेक्चर्स में मैं जो चीज़ें तुम्हें सिखाता हूँ, जो तरीके बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, वो किसी जैसे कोटा की किसी टॉप की कोचिंग में जो बच्चे टॉप बेचेस में होंगे और सबसे अच्छे टीचर्स को पढ़ रहे होंगे से वहीं पर उनको सीखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लेक्चर्स में तुम लोगों को मिल जाएंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जो तुम्हें समझ में नहीं आता उस केस में तुम इन लेक्चर्स को रिफर कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई कोचिंग ज्वाइन करनी है, अब कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। देखो अब एक सही कोचिंग ढूंढना और ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तीन टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं अगर उनमें से कोई एक टीचर का भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो टीचर तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो IIT JEE और नीट में रैंक के साथ साथ तुम्हारा पूरा सिलेक्शन तक बर्बाद हो सकता है। तो एक सही कोचिंग ज्वाइन करना लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। जो तीन टीचर्स जो तुम्हारी तैयारी करवाने वाले हैं, जो तुम्हारे गाइड होने वाले हैं, तुम्हारे IIT JEE के सिलेक्शन जर्नी और रैंक में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने होंगे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते समय। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक अगले वीडियो में कवर करूंगा, 4-5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें समझा दूंगा किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है, किस किस चीज़ को नहीं रखना है। पर इस वीडियो का जो पर्पज़ था तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर करना कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो जिन दो कंडीशंस को मैंने बताया है जाओ सोचो उसके बारे में, अगर तुम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ड्रॉप लो। जो बच्चे इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे और जो अब ड्रॉप नहीं लेने वाले, तो उनके पास करियर में क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है या फिर अच्छी ब्रांच नहीं है, तो उनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ।